हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, AC इक्वल टू AD एंड AB बाईसेक्ट एंगल A। AB बाईसेक्ट करें एंगल A को दो पार्ट में, तो इसको लिख सकते हैं एंगल 1, इसको लिख सकते हैं एंगल 2। शो डेट, सबसे पहले प्रूव करना कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। बट कैन यू से अबाउट BC और BD पर, अब क्या कहेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्ग्रेंट के रूल लिख लेते हैं। कॉन्ग्रेंट के रूल, ठीक है, एक होता है साइड। अगर तीनों साइडें सेम हो, ये हो जाएगी साइड। सेकंड, एंगल साइड एंगल। थर्ड है एंगल, तीनों एंगल इक्वल हो, एंगल। फोर्थ है साइड एंगल साइड। ये रूल है। अब सबसे पहले ये डायग्राम बना लेते हैं फर्स्ट सम की। अब ये पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ये एंगल 1, ये एंगल 2, क्योंकि बाइसेक्ट करे सेम एंगल, दो पार्ट में डिवाइड हो गए। सी डी, ये ए, ये बी। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में लिखेंगे AC इक्वल टू AD। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है सम में, एंगल ABC कोऑर्डिनेट एंगल ABD, ये हमें प्रूव करना है। अब हम प्रूफ लिखेंगे, सबसे लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ABD। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या क्या सिमिलरिटी है, एक तो AC AD के इक्वल है, AC इक्वल टू AD, ये हमें गिवन ही है। ठीक है, एक एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, बिकॉज एंगल ए इज़ बाईसेक्टर, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एंगल ए इज़ बाईसेक्टर, सो एंगल 1 2 हो गया। AB दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या रूल लग गया, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, सो बाय साइड एंगल, साइड से प्रूव हो गया ABC कॉन्ग्रेंट है ABD के। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD के, पर क्या करके बाय CP CT, BD इक्वल टू BC। CP CT की फुल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये हमारे सम का आंसर आ गया। और सम का